2 साल की बेटी के साथ सूडान संकट में जींद का एक परिवार फंसा हुआ है और इसे लेकर परिवार वालों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि रेलवे रोड जींद का रहने वाले अमन गुप्ता अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ सूडान के राजधानी खार्तूम में फंसे हुए हैं। अमन गुप्ता के माता पिता ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि न केवल उनके बेटे बल्कि सभी भारतीयों को वहां से निकाला जाए। अमन के पिता वीरेंद्र के अनुसार सूडान में अमन के घर के पास लगातार विस्फोट हो रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है, सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिछी हुई है, उनके बेटे की गाड़ी और उनके पैसे लूट लिए गए हैं और बिजली भी कट कर दी गई है। आप सोचिए परिवार कैसे अपना एक एक सेकेंड उस जगह पर काट रहा होगा। उनके परिवार के पास अब खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का परिवार जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। वहीं अमन की मां निर्मला गुप्ता ने बताया कि जब भी वो अपने बेटे से फोन पर बात करती हैं तो पीछे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और एक एक गोली की आवाज उस माँ के दिल को चीरती है। उनका बेटा और बेटे का पूरा परिवार वहां डरा सहमा हुआ है। सरकार से लगातार अपील कर रहा है कि वहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अपने वतन, अपनी सरजमीन, अपने हिंदुस्तान में उन्हें वापस लाया जाए। मेरा बेटा अमर गुप्ता, उसकी वाइफ दीक्षा गुप्ता और लड़की उसकी 2 साल की है, वो खार्तून गए थे सूडान में, वहां रहते हैं, काम करने गए थे ओमेगा स्टील इंडस्ट्री में। तो यहाँ से तो ठीक ठाक गए, 4 महीने हो गए गए ना। उसके बाद वहाँ लड़ाइयाँ जुड़ियाँ छिड़की आपस में, उनके जंग हो गया ज़्यादा बहुत देश का। तो उसके बाद वो एक घर में कैद है, अब ना बाहर निकल सकते, ना खाना, उनके पास खाना नहीं, अब ना लाइट की बड़ी दिक्कत है। वहाँ लड़की हमारी वो पोती है, वो छोटी, वो बीमार है, उसके वास्ते कोई इलाज वास्ते दवाई नहीं है कुछ ना, 40 टेम्परेचर है, लाइट का भी इंतजाम नहीं है, लाइट भी चली जाती है। उसको बस यहाँ निकालने की वो करो, उसका वो अपना सूडान वालों का अर्धसैनिक और सैनिक की लड़ाई है, मिसाइलें चला रहे हैं, बहुत बिल्डिंगों का आग लगा दी उन्होंने। मेरी बेटी से मेरी बात हुई, वो कह रहा है हमें बहुत डर लग रहा है, धुआं वगैरह खिड़की में से आता है, जो बम फूट रहे हैं वहां से, और बच्चा भी, उनका बच्चा भी, बेटे का बच्चा भी डर रहा है। हमारी पोती बहुत डरी हुई है, हमारा हर टाइम बच्चे के लिए लेकर बड़े परेशान है। कृपा करके हाथ जोड़ से विनती है विनोद नरेंद्र मोदी जी, उनको लाने की व्यवस्था कीजिए। बार बार आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें जल्दी से जल्दी लाने का व्यवस्था। वहाँ भी बहुत सड़कों पर लाशें, वहाँ भी बहुत धुआं वगैरह आता है, बहुत बम्बों की आवाज़ आती है, हम भी फ़ोन पर सुनते हैं तब भी बहुत बम्बों की आवाज़ आती है, हमें भी बहुत डर लग रहा है। तो क्या क्या मांगे जी आपकी? हमारी मांग ये है आप उनको वापस बुलाए, कैसे ना कैसे उनकी व्यवस्था लाने की व्यवस्था की जाए। अभी जो वर्तमान में वहाँ सूडान के अंदर स्थिति बनी हुई है अशांति की, और वहाँ का जो गृह युद्ध और सिविल वार छिड़ा हुआ है, उसके तहत ही हमारा जो बेटा अपना अमन गुप्ता, तो वो भी अपने परिवार के साथ वहाँ खार्तून के अंदर रह रहा है। और मेरे पड़ोस जो मेरे बड़े भाई रविंदर जी हैं, तो मैं भी एक पड़ोस के नाते और एक उसके नाते अपने बेटे के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। और आज ही मेरी वहाँ अम्बेसी में भी बात हुई है, जैसे ही शांति होगी भारत सरकार अपनी किसी प्रकार साधन का, फ्लाइटों का अरेंज करेगी और जल्द सभी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। देखिए ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, भारत सरकार जहाँ भी जो हमारे भारतवासी कहीं संकट में होती हैं तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनको निकाल लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी जितने भारतवासी हैं, हमारे प्रधानमंत्री उसको, उनको निकालने में कामयाब होंगे।